हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। ऑडियो आ रही मेरी सही से? स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार कंफर्म कीजिए। चलिए, स्वागत है। ऑडियो नहीं आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग देखने वाले दोस्तों इस पर्टिकुलर क्लास में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड में भी देख लेंगे हम लोग, इंडिया में भी देख लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप देखते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में ये 100% एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। प्लस हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हैं इन सभी पर्टिकुलर को रेगुलर बेसिस पर 5:30 बजे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आ जाइए। कितने लोग आ चुके हैं क्लास में? मेरी ऑडियो वगैरह ठीक ठाक है? कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो वगैरह सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए स्वागत है। और आ चुके हैं सारे लोग। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी सारे लोग, अगर आपको नोटिफिकेशन मिला है तो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन इस पर्टिकुलर क्लास का नहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम 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 टू द क्लास। चलिए भाई, मोस्ट वेलकम। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर करेंगे तो दूसरों तक पहुंचेगा, उनको भी हेल्प मिल पाएगी। एंड लगातार आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। क्लासेस के थ्रू मैं लगातार चीज़ें कवर कर रहा हूं, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। स्वागत है भाई अवीश जी, गोल्डी यादव। चलिए, एंड आपको पता है मैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पर भी लगातार फ्री क्लासेस ला रहा हूँ, तो सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी। और दोस्तों, अगर आप वहाँ पर फॉलो करते हैं तो आपको डेली फ्री क्लासेस मिलेगी 12 बजे। आप इस पर्टिकुलर फ्री क्लास को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेरे प्रोफाइल का है, उसमें बस सिंपल आपको कोड डालना पड़ेगा OJ10, इससे आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लस में बैचेज आ चुके हैं अगर आप SSC एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और सभी बैचेज दोस्तों आपको सफलता तक पहुँचाएंगी। जी हाँ, एक बैच टीम फोनिक्स का आ गया है। अगर आप CGL एंड CHSL के लिए पढ़ रहे हैं तो 16, मतलब आज से बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कंप्लीट प्रिपरेशन पूरे सिलेबस के साथ विथ टेस्ट, विथ नोट्स, विथ डाउट क्लास, हर एक वो चीज़ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है सब इसमें कवर हो रही है। इसके साथ साथ एक और बैच इंपॉर्टेंट है, CET, क्योंकि सितंबर से आपका सब CET होने वाला है, तो ये भी 16 तारीख से ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो चुका है, इसके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक बैच है दोस्तों सफलता, अगर आप CGL से सर्टिफिकेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, GDS MT के लिए, GD MTS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, सफलता बैच। यहाँ पे भी आपको निश्चित सफलता मिलेगी अगर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सभी को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको कोड लगाना पड़ेगा OJ10, इससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर चल रहा है, जैसे आप OJ10 लगाएंगे तो 10% तो श्योर शॉट मिलेगा, लेकिन इस समय एक बहुत ही भयंकर और ऑफर चल रहा है, वो ऑफर मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप लोग लेते हैं बैंक का प्लस SSC का कॉम्बो, बैंक और SSC कॉम्बो लेते हैं, तो बहुत बेहतरीन ऑफर है, मात्र 7,999 में आपको एक साल का मिल जाएगा, जो कि SSC में आपका 6,500 मिलता है, और 9,999 आपको 2 साल का मिल जाएगा, जो कि SSC में आपका 7,800 में मिलता है। और यहाँ पे कॉम्बो मिल रहा है, प्लस एडिशनल अगर आप OJ10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% की छूट भी मिल रही है। तो एक बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, अभी इसका रेट बढ़ जाएगा फिर से, तो आप लोग जल्दी से ले लीजिए अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का। और आपको पता है प्लस सब्सक्रिप्शन आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देता है ना, तो चलिए भाई बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जरूर से सब्सक्रिप्शन लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, फटाफट जाइए और ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी सारे लोग भी आ चुके हैं क्लास में। और क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन से, जी हाँ, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। आप सभी लोग लाइक एंड शेयर मार दीजिए ताबड़तोड़। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मानस वन्य जीव अभयारण्य इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे है? जो कि देखिए जितने भी हैं सारे यूनेस्को के साइट मैंने इसमें लिए हैं, असम में है, मेघालय में है, गोवा में है, या फिर कर्नाटका में है, कहाँ पे है? मानस। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मानस दोस्तों आपका कहाँ पे है, तो असम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। एक और आपका आता है दोस्तों, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है?
जो कि स्पेशली एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो वो भी आपका असम राज्य में ही है। ठीक है, तो मानस वन्यजीव अभयारण्य कभी पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग, ये अभयारण्य असम में है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि असम के रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा एकदम नए नवेले जो कि चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो वो भी असम में स्थित है, माजुली। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया। एक लीची है जिसको GI टैग दिया गया रिसेंटली, उसका नाम क्या दोस्तों, तो तेजपुर की लीची है दोस्तों जिसको GI टैग दिया गया है, असम से रिलेट करती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, कांजीरंगा नेशनल जो उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, कांजीरंगा जो उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है बताना है आपको, असम, मेघालय, सिक्किम या फिर गोवा। कांजीरंगा, बिल्कुल CM प्रसेंजीत, यू आर राइट। गोल्डी यादव, चांदनी, सभी लोगों के आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में। असम में है, मेघालय में है, गोवा में है या फिर, तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया, कांजीरंगा मैंने बोल दिया, कांजीरंगा असम में, कंचनजंगा इस क्वेश्चन में है। हाँ, कांजीरंगा असम में, आप लोग कमेंट सही कर रहे हैं, कांजीरंगा जो है असम में, आप लोग कमेंट सही कर रहे हैं, लेकिन ये कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई पता है आपको, 85 86 मीटर, ठीक है। सबसे बड़ा अगर देखिए अनऑफिशियल कंचनजंगा ही आता है आपका, और सबसे बड़ा वैसे आपका K2 है जिसको हम लोग बोलते हैं गाडवी नास्टेन। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 86 11 मीटर। एंड एक क्वेश्चन हो रहा था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है, तो आपको पता है एवरेस्ट, इसका है 8848.86 मीटर, ये 86 और बढ़ा है, लेकिन ये आपका नेपाल में है। एंड गाडवी नास्टेन जो K2 है ये आपका कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सिक्किम का मैजिक नंबर, तो ये दोस्तों 1132, मतलब एक आपका लोकसभा सीट, एक आपका राज्यसभा सीट और 32 इसका विधानसभा सीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा वो मैंने दिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब ये कंचनजंगा जो स्पेशली फेमस है वो कस्तूरी मृग के लिए है और हिम तेंदुआ के लिए फेमस उद्यान है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों है महाबलीपुरम स्मारकों का समूह कहाँ पर स्थित है, जो कि आपका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने ऐसे हेरिटेज साइट हैं इंडिया में, तो 39 हैं, 39 हैं, ठीक है, याद रखिए। सबसे अधिक जो है वो आपका है इटली में है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, महाबलीपुरम स्मारक से अगर आपसे पूछा जाएगा। एंड प्लीज़ सभी लोग लाइक करिए तुरंत एंड शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ताबड़तोड़ एकदम लाइक मारिए तेजी के साथ। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या जाएगा, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। महाबलीपुरम स्मारकों का जो स्मारक है, इसका समूह जो स्थित है कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी एकदम नवीनतम CM आए हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम लोग लिख लीजिएगा, इनका नाम है MK स्टालिन। एंड अगर आपसे पूछेगा कि गवर्नर कौन है दोस्तों, तो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित। एंड यहाँ का जो मैजिक नंबर है वो क्या है दोस्तों, यह है आपका 39 18 234, 39 लोकसभा सीट, 18 राज्यसभा सीट एंड 234 जो है आपका विधानसभा सीट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे काफ़ी बार पूछा गया है कि तमिलनाडु जो आपको पता है, इसी में हमारे आपका प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मौजूद है, जो कि कहाँ पे है आपको कमेंट करके बताना है। उसका नाम है दोस्तों कैप कैमोरियन, ये क्या नाम है, कैप कैमोरियन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, सही, साउथर्न पॉइंट जो है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो महाबलीपुरम के स्मारकों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कुछ फेमस चीज़ें मेंशन की गई हैं यहाँ पे। अब पल्लव वंश का जो अंतिम शासक थे, महाबलीपुरम का रथ, समुद्र तट का मंदिर, जो सोर टेम्पल है फेमस है, कृष्ण मंडपम है, क्रोकोडाइल बैंक है, गुफाएं हैं, मूर्ति संग्रहालय है, एक आपका मुट्टू काड़ू है, ये सभी जो वास्तुकला दृष्टि शहर के अग्रणी स्थान में पाया गया है, वही आपका है महाबलीपुरम में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या क्वेश्चन दोस्तों, पत्तदकल ये जो स्मारक का समूह है ये कहाँ पर स्थित है, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है इंडिया में। चलिए फटाफट, हाँ, राजेश बनाना जो प्रोडक्शन करता है वो भी आपका तमिलनाडु है, सही कहा आपने, MK स्टालिन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम या फिर मध्य प्रदेश। एंड इसको शेयर कीजिए अपने किसी भी ग्रुप में, कहीं पे भी, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, मित्रों को भी, उनको भी बुलाइए। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इस क्लास का तो नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है, अब तो पहले जाता था लेकिन अब नहीं जाता है। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, देखिए कर्नाटका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस, ये आपका जवान पे होना चाहिए क्वेश्चन, आपका पूछा जा चुका है।
सीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है कर्नाटका का, भाई कर्नाटका के सीएम कौन है, तो आप लोग बता देंगे भारतीय जनता पार्टी से हैं येदुरप्पा। कौन है भाई? येदुरप्पा जो है सीएम है कर्नाटका। राजधानी इसकी क्या है? बेंगलुरु, जहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं। अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो भी दोस्तों कहाँ पे है, ये भी आपका बेंगलुरु में है। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला। और ये देखिए जो स्मारक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये जो मंदिर बनवाया गया दोस्तों, चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं जो कि शताब्दी में इसको बनाया था, और ऐहोल स्थापत्य कला का विद्यालय माना जाता था। यहाँ पे एक तरीके से कर लीजिए, यहाँ पे कुल 10 मंदिर हैं जिनमें से एक जैन धर्मशाला भी शामिल है। अब इन्हें घेरे हुए ढेरों चैत्य पूजा स्थल है और बहुत सारी अपूर्ण आधारशिलाएं मौजूद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें से जो 4 मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के हैं और 4 नागर शैली के हैं। ये सारे प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट और हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलर जो मंदिर है वो किस शैली से बिलोंग करता है, किस शैली का है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंडीगढ़ एकमात्र स्थित यूनेस्को धरोहर जो है वो कौन सा है? चंडीगढ़ में ली कार्बुजियर के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। कह लीजिए भारत का सबसे पहला वेल ऑर्गेनाइज्ड शहर है चंडीगढ़, जो कि 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब, और विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है? बफरिंग हो रहा है? बफरिंग नहीं हो रहा है, सही है, मैं देख रहा हूँ ऑडियो वगैरह ठीक ठाक है। चंडीगढ़ में एकमात्र स्थित यूनेस्को, यस, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ली कार्बुजियर का वास्तुकला, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दोस्तों इसको, इसके आर्किटेक्ट पूछे कभी भी आर्किटेक्ट कौन है, तो यही इसके आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि रानी का वाव कितने रुपए के भारतीय नोट पे छपा हुआ है? तो 100 रुपए के भारतीय नोट पे। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये 20 रुपए के भारतीय नोट पे इसका चित्रण किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, तो चंडीगढ़ जो कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के चंडीगढ़ शहर सेक्टर नंबर 1 में स्थित है, ली कार्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया, यूनेस्को विश्व धरोहर विरासत में फैला हुआ है, लगभग 100 एकड़ में इसको फैलाया गया है, जिसमें 3 इमारतें, 3 स्मारक, 1 झील, विधानसभा सचिवालय, मतलब सबको एकदम व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। तो ये याद रखेंगे यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका, भारत में कितने स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर में दर्ज हैं? एक अभी रिसेंट बढ़ा है, तो उसको छोड़ दिया जाए तो आपको याद होगा 42, 38, 36 या फिर 48। बता दिया मैंने पहले इस क्वेश्चन का आंसर, 42, 38, 36 या फिर 48। तो बताइए भारत में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 38+1 कर लीजिए, नवीनतम एक जोड़ा गया है 39। कहाँ का जोड़ा गया है? एकदम नवीनतम जो जोड़ा गया है कहाँ का जोड़ा गया है? नहीं, 39 है, याद रखेंगे, हाँ बिल्कुल 39 है। ठीक है, तो 38 है टोटल, और यस 38 कुल भी धरोहर थे पहले, एक जो रिसेंट में जोड़ा गया, देखते कितने लोग को पता है, बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर स्थित है? बताइए फतेहपुर सीकरी जो है कहाँ पर स्थित है? एंड प्लीज सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? फतेहपुर सीकरी भी हमारा रजिस्टर्ड है, तो कहाँ होगा आंसर? करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, इज द राइट आंसर। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका यूपी में स्थित है। यूपी के सीएम का नाम बताइए भाई साहब, ये कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर का नाम पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता है एबी पटेल, आनंदी बेन पटेल। हो सकता है आपसे चीफ जस्टिस का नाम पूछ ले, तो ये कौन है दोस्तों? इनका नाम है संजय यादव। हो सकता है कि आपको पूछे कि लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट कौन सा है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा 80, सबसे ज़्यादा 31, सबसे ज़्यादा 403, सबसे ज़्यादा 100 विधान परिषद भी है। तो याद रखेंगे 80, 31, 403 और 100, सारा कुछ मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, ये मैं एडिशनली आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे कि आप साथ साथ याद भी करते चलें। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी, जो कि जलालुद्दीन अकबर ने सन 1569 में बसाया था, मुगल सम्राट जो थे फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, आगे देखते हैं, जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जयपुर शहर की स्थापना
एंड बहुत सारे लोग आंसर कर चुके हैं, लाइक भी कर चुके हैं। धर्मपाल जी, प्रदीप, प्रसेनजीत, रानी केसरी, अविश जी हैं, और कौन कौन है भाई, प्रदीप हैं, प्रसेनजीत हैं, गोल्डी यादव हैं, रानी केसरी, चिन्मय जी हैं, मनीषा, धर्मपाल कुमार जी हैं, सबके आंसर अच्छे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका सवाई जयसिंह होंगे कि सवाई मानसिंह होंगे। तो जयपुर की स्थापना की थी दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था, जो कि राजस्थान राज्य की राजधानी है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 2020 में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा भी दिया गया था, और इसको जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीन तरफ से ये अरावली पर्वत श्रृंखला से जो कि घिरा हुआ है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ का है ये? गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। चलिए अच्छा एक चीज़ और है आप लोगों के लिए। अच्छा सर कहाँ से हैं सर आप? धर्मपाल जी मैं हूँ वाराणसी उत्तर प्रदेश, यूपी से हूँ वाराणसी। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने शुरू करवाया था बताइए? कुतुब मीनार के कार्य का निर्माण किसने शुरू करवाया था? जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था बताइए? यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था पहला मुसलमान शासक। एंड इसी के द्वारा दोस्तों आपका 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया गया है और कुतुब मीनार भी बनवाया गया है। इल्तुतमिश की बेटी जो थी उसका नाम बताइए, जो सबसे पहली महिला शासिका थी, सबसे पहली महिला शासिका थी, इल्तुतमिश की बेटी है बताइए, क्या लगता है? ठीक है बताइएगा, तब तक आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसकी ऊंचाई वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए मैंने इसे PDF में इंक्लूड किया है कि 75.5 मीटर लगभग 237 फीट के आसपास की इसकी लंबाई है, और भारतीय कला उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण कार्य जो है 1192 का है, सन 1192 का है, तो यूनेस्को धरोहर में इसको भी स्वीकृत किया है। अगर दिल्ली जरूर जाते हैं तो जरूर। रजिया सुल्तान इज द राइट आंसर, ठीक है, रजिया सुल्तान इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते तो एलिफेंटा गुफाएँ कहाँ पर स्थित है? एंड प्लीज़ हिट लाइक एंड शेयर, आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लाइक शेयर करेंगे अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मैं इस प्रकार लगातार क्लासेस इसी समय आपके लिए ला रहा हूँ, तो मुझे भी हेल्प मिलेगी, मुझे भी एक आइडिया लगता है कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्लास की ज़रूरत रेगुलर बेसिस पे है, उनके लिए मैं क्लास हर रोज़ लेके आता हूँ। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पर है पूछेगा, तो दोस्तों हो जाएगा आपका औरंगाबाद में, औरंगाबाद में, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं बिहार में, पूरा बारिश हो रहा है। अच्छा बिहार में बारिश हो रहा है दबा के, यहाँ पे मौसम अच्छा है लेकिन बारिश इतना नहीं हो रहा है। अच्छा कमेंट करके बताएं दोस्तों कि यहाँ के चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के कौन है? सभी लोग का CM का नाम पता है, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। हाँ ओके, दीपांकर दत्ता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड हाईएस्ट लोकसभा सीट कहाँ का है? तो यहीं का है। सेकंड हाईएस्ट लोकसभा सीट कहाँ का है? तो यहीं का है, ठीक है। कितना है? 48। मैंने 5 आपको बताया, मैं हमेशा बताता हूँ, 80 उत्तर प्रदेश, 48 महाराष्ट्र, 42 वेस्ट बंगाल, 40 बिहार एंड 39 आपका हो जाएगा कहाँ का? तमिलनाडु इज राइट, ठीक है। तो देखिए ये एलिफेंटा की गुफाएँ जो हैं धारापुरी औरंगाबाद में स्थित है, आपको मैंने पहले ही बताया, धारापुरी भारत के मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है, वहाँ से आप लोगों को वो करना पड़ता है, 22 शिप भी जा सकते हैं ना घूम फिर के, वहाँ से आपको व्यवस्था बनता है जाने का। जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? जंतर मंतर
दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर या फिर मध्य प्रदेश, इसको भी हेरिटेज में डाला गया है। एंड बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं। रानी केसरी, प्रदीप, मनीषा, विश्वजीत दास, प्रसेनजीत और कौन कौन है, राउड़ी, रानी केसरी, हाँ डिम्पल, थैंक्स अ लॉट, शेयर कर दीजिए कहीं पे भी ग्रुप में। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा, जंतर मंतर कहाँ पे स्थित है, तो आप बहुत इजी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में दिल्ली आंसर नहीं है, जंतर मंतर जो है, जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, वो आपका जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी वो जयपुर में है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूनेस्को के धरोहरों के बारे में, ठीक है, तो ये यार राजस्थान में हो जाएगा। बहुत लोग दिल्ली आंसर कर रहे हैं ना, दिल्ली दिल्ली रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल मैंने लिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हर एडमिट थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल मैंने लिया हुआ है। तो यंत्र मंत्र एक तरीके से वही अपभ्रंश रूप है, सवाई जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण कराया, तो जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी में भी किया गया था ऐसी ही। तो 1725 में पहली वेधशाला बनी थी, 10 वर्ष बाद 1734 में जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, इसके बाद 15 वर्ष बाद 1748 में मथुरा, उज्जैन और बनारस में भी ऐसे जो कि जंतर मंतर वेधशालाएं जो बनाए गए थे यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन मार दीजिए एकदम दबा के आंसर इसका। आगे से जीएस आपका डेली कंटिन्यू होगा, फिलहाल अभी एक दिन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक और एक दिन हम लोग जीके जीएस कर रहे हैं, ठीक है। तो धर्मपाल जी एक दिन, जैसे कल जो है, कल तो मेरी छुट्टी है, थर्सडे मेरी क्लास नहीं होती है, लेकिन फ्राइडे को फिर आपका आ जाएगा, तो ठीक है। मैं अगले महीने से, इस महीने का तो आई थिंक शेड्यूल मैंने कर दिया है, अगले महीने से मैं आपको डेली जीके जीएस का टेस्ट ही चलाऊंगा, ठीक है, जीके जीएस के टेस्ट ही चलेंगे डेली। तो यस दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, दो दोस्तों पुरी में स्थित है। आपको बताना दोस्तों, कितने रुपए के भारतीय नोट पर इसका चित्रण किया गया, कमेंट करके बताइए। उड़ीसा के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, इसके सीएम कौन है दोस्तों, नवीन पटनायक, गणेशी लाल गवर्नर हैं और एस मुरलीधर इसके चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी कहते हैं, कहाँ से निकलती है, सीवा छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा के तट पे ही ओली ड्रिल्ली कछुओं का सबसे बड़ा घोंसला पाया जाता है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा घोंसला पाया जाता है। प्लस क्वेश्चन दोस्तों एक और आता है आपका कि जगन्नाथ, जो पूरी जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मेला जो लगता है कहाँ पर है, वो भी वहीं पर, और 10 रुपये के भारतीय नोट पर इसका चित्रण किया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि भैया बनवाया किसने इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है क्योंकि ये गंग वंश के 43 सामंत थे नरसिंह देव के द्वारा, याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा इसको बनवाया गया था। नरसिंह देव है कि बर्मन है, एक बार क्रॉस चेक मारिए इसको। 1984 में इसको ऐड किया गया था, 1984 में इसको ऐड किया गया था यूनेस्को के धरोहर के लिस्टों में। जब भी कोई जाता है तो सूर्य मंदिर जरूर जाता है, उड़ीसा जाता है तो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पर स्थित है, महाबोधि मंदिर परिसर जो है कहाँ पर स्थित है, और बताइए आंसर क्या होगा। एंड आप सभी लोग ताबड़तोड़ लाइक शेयर कीजिए, मेरी टाइमिंग फिक्स यही टाइम है, 5:30 पे मैं आपको डेली बेसिस मिलता हूँ, 5:30 पे हर रोज मेरी क्लास होती है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला। तो महाबोधि मंदिर आपका भैया बिहार में है, ठीक है। बिहार एस्टेब्लिश कब हुआ था लिख लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो, वैसे आप लोगों को याद होगा, 22 मार्च सन 1912 में एस्टेब्लिश हुआ था। सीएम कौन है इसके, ये हैं दोस्तों नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है दोस्तों, तो ये हैं भैया फागु चौहान, फगुआ वाले फागु चौहान। गवर्नर कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है संजय करोल गवर्नर है यहाँ पे। फिफ्थ हाईएस्ट लोकसभा सीट है यहाँ पे, फोर्थ हाईएस्ट सीट 40 लोकसभा सीट है। इसकी एक नदी है जिसको हम लोग कहते हैं, जो शिव कोसी से निकलती है नेपाल से और बिहार में आके तबाही मचाती है ना, तो कमेंट करके बताइए वो कौन सी नदी है जिसको हम लोग कहते हैं बिहार का शोक। जस्ट लाइक दामोदर नदी निकल जो कि वेस्ट बंगाल का हो गया, महानदी शोक हो गया आपका उड़ीसा का, तो बिहार का शोक किसे कहते हैं बताइए। और महाबोधि मंदिर या फिर महादेवी बोधि विहार कह लीजिए, प्रसिद्ध यूनेस्को में है, 6वीं शताब्दी में ज्ञान की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध यहीं पे आए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, ठीक है। तो कोसी नदी इज द राइट आंसर, ठीक है, हाँ कोसी। रानी का वाव, रानी का जो स्टेप वेल है, यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल या कहाँ पर स्थित है, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात या फिर चंडीगढ़, कौन सी जगह पर है ये, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात या फिर चंडीगढ़, कौन सी जगह पर बताइए फटाफट तेजी के साथ, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली। तो रानी का वाव भी एक कितने रुपए के भारतीय नोट पे पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपका गुजरात में स्थित है। रानी का वाव कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। और इसका चित्रण किया गया है 100 रुपए के भारतीय नोट पे।
₹10 में कोणार्क का सूर्य मंदिर, ₹20 में अजंता एलोरा गुफाएं, ₹50 में कर्नाटका का हम्पी, ₹100 में रानी का वाव, ₹200 के नोट पे आपका सांची का स्तूप है, ₹500 में दिल्ली का लाल किला एंड ₹2000 में आपका मंगलयान है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बिजू रूपानी CM है गुजरात के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली क्लास से आपको बहुत मदद मिल रही होगी। तो आपके सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो आपका प्रतिक्रिया होता है किसी भी वीडियो पे, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट मैं आगे आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बाकी मेरी क्लासेस डेली 12 बजे आती हैं, तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा अनअकैडमी पे, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। फॉलो कर रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। खजुराहो स्मारक का समूह कहाँ पर स्थित है? खजुराहो जो स्मारक है असम मध्य प्रदेश, खजुराहो, खजुराहो की शैली बताइए कमेंट करके कि कौन सी शैली का बना हुआ है यहाँ पे, कौन सी शैली का बना हुआ है। खजुराहो का शैली भी आपसे पूछा गया बहुत बार, तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। खजुराहो की शैली कौन सी शैली है भाई खजुराहो की? और इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नागर शैली का उदाहरण है, नागर कौन बता रहा है, नागर है कि द्रविड़ है, नागर शैली का उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके शिवराज सिंह चौहान, आनंदी बेन पटेल, मोहम्मद रफीक, कान्हा किसली वन्यजीव अभयारण्य बहुत बार आया है कहाँ पे है, पन्ना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, संजय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, बांधव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, माधव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, ठीक है। ये सारे वन्यजीव अभयारण्य, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है, सबसे ज़्यादा वनों से आच्छादित रहने वाला भी यही है, सबसे ज़्यादा ट्राइब्स निवास करते हैं यहीं पे करते हैं, तो बहुत। और मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा भारतीय स्टेट है जो यूरोप के एक देश पोलैंड के लगभग बराबर है, तो दोस्तों वो भी आपका मध्य प्रदेश ही है। प्लस एक ऐसा भारतीय स्टेट बताइए जो सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण अपने ही राज्यों को दे रहा है, वो कौन है? वो भी भाई साहब, वैसे तो गलत बात है लेकिन दे रहा है तो क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश ही हो जाएगा यहाँ पे। जितने क्वेश्चन मैंने बताए मध्य प्रदेश, और बहुत कुछ बता सकता हूँ। FIR आपके द्वारा योजना चलाया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक मास्क अनेक जिंदगी यहीं पे, रोको टोको अभियान यहीं पे, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यहीं पे ना, चरण पादुका योजना यहीं पे, ऐसे ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। सांस अभियान मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए यहीं पे, MP टाइगर स्टेट है, बिल्कुल सही। एंड सेकेंड हाईएस्ट एक तरीके से कह लीजिए नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी बहुत बड़ा है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सारे के सारे जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं। सब कुछ बता चुका हूँ, थोड़ा सा और बताता हूँ आपको इसमें क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये मंदिर जो है, मैंने आपसे पूछा किस शैली का है, तो ये नागर वास्तुकला है और इसमें वही है ज़्यादातर जो कामुक कला वाली अर्थात नग्न अवस्था में जो स्थापित है, आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे। और खजुराहो में ज़्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय में 950 और 1050 ईस्वी के मध्य में बनाए गए थे। अब देखिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार खजुराहो में कुल 85 मंदिर हैं जो कि 12वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे। लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में इसको मैनेज किया गया है, बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। हिंदू धर्म जैन धर्म इन सभी सुझावों के अनुसार इसको रेडी किया गया है, बनाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अजंता की गुफाएं किस धर्म को से संबंधित है? तो बताना है किस धर्म से प्रेरित है या फिर किस धर्म से संबंधित है, हिंदू बौद्ध जैन या फिर कुछ और कोई और? तो फटाफट बताइए तेजी से आंसर इसका क्या होगा। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। कहाँ पे है अजंता एलोरा गुफाएं? मैंने बताया था औरंगाबाद में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा एक पश्चिम बंगाल के यूनेस्को में शामिल स्थल धरोहर है? बता देंगे बहुत ईजी है ये भी। पश्चिम बंगाल में यूनेस्को धरोहरों में सानंदा देवी, महाबोधि मंदिर, सुंदरवन या फिर पश्चिमी घाट, कौन है भाई बताइए ताबड़तोड़ तरीके से। और ओके, बिल्कुल 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 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण होता है ब्रह्मपुत्रा गंगा नदी के कटाव की वजह से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो ये मैंने आपको बता दिया है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, बाघों के लिए है, ठीक है। तो लगभग 103 बाघों राष्ट्रीय उद्यान में इसमें मौजूद है, मतलब एक आंकड़ा निकाला गया था काउंट करने के बाद। हाँ, जगदीप धनखड़ गवर्नर, टी वी एन राधाकृष्णन उसके गवर्नर हैं, और ममता बनर्जी तीसरी बार बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ ओके, क्या क्वेश्चन क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इजी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बताइए? उत्तराखंड में है। नामेरी कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है भीम बेटका, भीम बेटका कहाँ पे है? भीम बेटका, तो भीम बेटका आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हाँ, शैलाश्रम जो भीम भटका शैलाश्रम है, पूरा पासाड़ी जो आवासीय पूरा स्थल है जो कि रायसेन जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से तकरीबन 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये पुरातत्व सर्वेक्षण मंडल में भी आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें बहुत ही प्राचीन किले, दीवारें, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, जो कि शुंगगुप्तकालीन अभिलेख, शंख अभिलेख, और जो कि परमार कालीन के मंदिर के अवशेष मिले हैं, इस वजह से इसको हेरिटेज में डाल, जब भी आप लोग जाइएगा तो ऐसे ऐसे स्पॉट पे, ऐसे प्लेसेस पे जरूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा पुरानी चीज़ों को देख के, और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी वहाँ पे पुराने समय में। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी भले ही आज नहीं है, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी और भी खतरनाक थी। बड़े बड़े पहाड़ चट्टानों को इतने आराम से लगा दिया गया, उठा के हम लोग का तो हालत ख़राब हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पर स्थित है बताइए? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? केवला देव, राम 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 राम। जी हाँ दोस्तों, ये स्थित हो जाएगा आपका राजस्थान, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। केवला देव दोस्तों कहाँ पे है? तो राजस्थान, घाना, केवला देव घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कि भरतपुर पक्षी विहार से के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी दुर्लभ पक्षियाँ, विलुप्त पक्षियाँ, साइबेरियन पक्षियाँ, बहुत सारे पक्षियाँ इस मौसम में आपको देखने, हर मौसम में आपको देखने मिलते हैं, और इसको 1971 में राष्ट्रीय धरोहर की सूची में डाला गया था। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य राज्य पशु एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है? मैंने आपको बताया था कांजीरंगा नेशनल पार्क, अगर लोग जानते होंगे तो आंसर मार देंगे। सर मैंने लाइक कर दिया है राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपका दिल से आभार है। देखिए लगातार मेहनत से मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन बस आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि वही मोहब्बत है जो आप मेरे प्रति दिखाते हैं, और वही देख के मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार इतने लोगों को पसंद आ रहा है तो क्लास को रेगुलर रखा जाए, इन लोग को फायदा हो रहा है इस क्लास से। जी हाँ दोस्तों, असम इज राइट आंसर। असम के बारे में लगभग सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों आपका आगे हो जाएगा, अजंता की गुफाएँ कहाँ पर स्थित हैं? एंड आप लोग प्लस में आ जाइए भाई, प्लस में आ जाइए तो आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, प्लस इज बेस्ट, आप किसी से भी रिव्यू ले सकते हैं, नहीं तो फ्री क्लास में डेली 12 बजे ले रहा हूँ, तो आप फ्री क्लास का भी मजा ले सकते हैं मेरे साथ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, तो लगातार और भी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ। तो अजंता गुफाएं क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी ये महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में स्थित लाल किला परिसर किसने बनवाया है? दिल्ली में स्थित जो लाल किला परिसर है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर हुमायूं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर हुमायूं, किसके द्वारा बनवाया गया है वो परिसर है आपका बताना है। और इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, शाहजहां इज द राइट आंसर। देखिए मैंने आपको बताया था मकबरा के बारे में, शाहजहां काफ़ी बार आया है, शाहजहां का मकबरा कहाँ पे या फिर और जहांगीर का, दोनों लोग का कहाँ पे है? लाहौर में है। हुमायूं का कहाँ पे है? दिल्ली में है। अकबर का कहाँ बताइए, बहुत ईजी है, अकबर वाला बहुत ईजी है, तो कमेंट करके बताइए कि अकबर का कहाँ पे है ना, देखते कितने लोग बताते हैं, बताइए अकबर का कहाँ पे है। शाहजहाँ जहांगीर का लाहौर में है, हुमायूं का दिल्ली में है, सही है, औरंगाबाद में। चलिए अच्छा, फिलहाल आप बताइए क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सिकंदराबाद, हुमायूं का मकबरा, तरीके क्वेश्चन आ गया, मैंने सोचा नहीं था आएगा लेकिन आ गया। बताइए फतेहपुर, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? अभी मैंने देखिए क्वेश्चन डिस्कस किया और क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो गया, धीरे से प्रकट हो गया, तो क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा
दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, सर्प जानते हैं इसके बारे में। एलोरा गुफाएं किस धर्म, अजंता एलोरा गुफाएं, एक्चुअली ये तीनों का मिश्रण है, एलोरा गुफाएं पढ़ा चुका मैं आपको, बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं इसमें, यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, फर्स्ट जो शहर है वो कौन सा है बताना है आपको, जो यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। ठीक है, तो बताइए कौन सा धरोहर स्थल में शामिल हुआ था यूनेस्को के, फटाफट। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद इज द राइट आंसर, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश स्थित ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था, किस वर्ष यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था। देखिए मैं आपको वही टॉपिक लाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो आपके एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं, तो आपको फायदा होगा। मेरी क्लास की टाइमिंग 5:30 बजे डेली यही है, प्लस मैं फ्री क्लास जो अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ वो 12 बजे लेता हूँ डेली, तो आप लोग मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस डिस्कस कर रहा हूँ, लगातार इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस से मिल रहे हैं जो कि जीके जीएस करंट अफेयर्स के हैं, तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसको देखिए शामिल किया गया था आपका 2014 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लियर, 2014 में शामिल किया गया था जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी प्रकार से दोस्तों हेल्पफुल लगा हो तो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ज़रूरी भी है मेरे लिए, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप ज़रूर से दबा लेंगे तो क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। मेरी क्लास प्रत्येक 5:30 बजे, बस मैं थर्सडे को क्लास नहीं लेता हूँ और संडे को क्लास नहीं लेता हूँ, बाकी 5 दिन मेरी क्लास 5:30 बजे आपको ज़रूर से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्लास हैं मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा यहाँ पे। थैंक यू रानी, थैंक्स लॉट, ओके ओके ओके, थैंक यू सभी लोगों का, जितने भी लोग क्लास के साथ जुड़े थे, मनीषा, एविस, प्रसेनजीत, रानी, चांदनी, कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग हो रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही होगा, आगे सही हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, अपकमिंग में सब कुछ सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक्स लॉट, चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए आप लोग, बाय बाय।